हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बालमुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सर्चिंग सर्च एलिमेंट फ्रॉम एरे। तो किसी भी एरे में किसी एलिमेंट को, नंबर को या वैल्यू को किस तरीके से सर्च करते हैं, तो हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोग्राम डिजाइन करने के लिए भी दिया जाता है। तो हम इस क्लास में आज डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को एक एरे में सर्च कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इस क्लास के वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं सर्चिंग क्या होता है और किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3, 4, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से कुछ नंबर्स स्टोर हैं। अगर हम इंडेक्स वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे अगर कोई यूजर कोई नंबर इनपुट करता है, कोई वैल्यू इनपुट करता है, तो उसको इस एरे में हमें सर्च करना है कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इंसर्ट करा लेना है यूजर से, और उसके बाद उस पार्टिकुलर एलिमेंट को भी इंसर्ट कराना है जिस एलिमेंट को वो इस एरे से सर्च करना चाहता है। तो मान लीजिए एक वेरिएबल हमारे पास m, और इसमें यूजर से हम इनपुट लेते हैं कि कौन से नंबर को या किस एलिमेंट को वो इस एरे में सर्च करना चाहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने कोई भी नंबर दिया, वो मान लीजिए हमारा है 4 या 3 या कुछ भी नंबर हो सकता है, और इस नंबर को हमें मैच कराना है इन सारे नंबर से। तो यहाँ पे एरे में स्टोर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी से एक एक करके हम सर्च करके चेक करेंगे, कंपेयर करके। अगर ये कहीं पे मैच करता है तो हमें उसको एक मैसेज नोटिफाई करना है या मैसेज के थ्रू उसे बताना है कि ये नंबर इस एरे में अवेलेबल है और किस लोकेशन पे अवेलेबल है। हम चाहे तो उसकी लोकेशन भी उसे बता सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च या सिक्वेंशियल सर्च, जो कि मोस्टली यूज किया जाता है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि अगर हमारा लास्ट में एलिमेंट स्टोर हुआ तो हर एक नंबर से हमें कंपेयर करने पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मीन्स ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग एल्गोरिथम है एक तरीके से बात करें। अगर लीनियर सर्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इसमें सर्चिंग में, क्योंकि ये स्टार्टिंग से शुरू करता है और हर एक एलिमेंट से मैच करता हुआ जाएगा। अगर एलिमेंट हमारा लास्ट में है तो यहाँ तक इसको सर्च करते हुए आना है, एक एक करके कंपेयर करना है, और जब यहाँ पे मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो नोटिफाई करेगा कि एलिमेंट अवेलेबल है। और इन केस मान लीजिए यहाँ पे वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मान लीजिए यूजर ने 2 इनपुट किया, तो इस केस में देखिए यहाँ पे 2 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब भी ये सर्चिंग में क्या करेगा, पूरा का पूरा टाइम लेगा और हर एक एलिमेंट से मैच करेगा और लास्ट में ये नोटिफाई करेगा कि एलिमेंट नॉट अवेलेबल। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट, जो कि हम सिंपली यूज कर सकते हैं इसे। आने वाले दिनों में हम कुछ नए मेथड भी आपको बताने वाले हैं, जैसे एक बाइनरी सर्च है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जिसको मोस्टली यूज किया जाता है, वो इससे आधा टाइम लेता है। और किस तरीके से लेता है आधा टाइम, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है एक एरे, और यहाँ पे उस एरे को पहले एरे के अंदर स्टोर कर देना है। उसमें जो भी यूजर इनपुट देता है एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को हमें यहाँ पे स्टोर करना है। ये तो हो गया हमारा एरे, ये हम यूजर से इनपुट ले लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल होगा एम, और यहाँ पे हम यूजर से वो नंबर इनपुट करेंगे जिस नंबर को वो इस एरे में सर्च करना चाहता है। अब अगर इसको हमें प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक एरे हो गया और यहाँ पे यूजर से हमने वो नंबर या एलिमेंट भी इनपुट करा लिया है जिसको हमें इस एरे में सर्च करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल मान लीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं एफ, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू इसकी रखते हैं 0। ओके, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, अभी कॉन्सेप्ट जब बताएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर लूप लेना है, और फॉर को हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और ये कहाँ तक चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जो हमारा एरे का साइज होगा वहाँ तक ये चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं हम ये साइज है n, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्टोर हैं, या फिर हम यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी लिमिट होगी लेस देन 7, और यहाँ पे i++। ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है कि इफ स्टेटमेंट लगाना है, इफ, और यहाँ पे ये हमारा एरे मान लीजिए ए है, इसको हमने ए नाम दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ए, और इस जगह पे हमें रखना है आई की वैल्यू इक्वल इक्वल एम,
एम क्या है हमारा, एम है हमारा वो वैल्यू जो यूजर सर्च करना चाहता है इस एरे में। ओके, तो यहाँ पे उसने कोई नंबर दिया होगा या कोई इनपुट दिया होगा जिसको इस एरे में सर्च करना चाहता है कि वो नंबर या इनपुट अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम इससे कंपेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब ये फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे जीरो। तो ये जीरो पोजिशन पे जो भी नंबर होगा उसको एम के साथ कंपेयर करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमारे पास जो वेरिएबल है एफ जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने रखी है जीरो, इसमें हम वन स्टोर कर देंगे। ओके, और उसके बाद हमें ब्रेक कर देना है। एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है जिसको मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका हूँ, काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो आई होप आप सभी को याद होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट के अंदर ये डाल दिया और इसके बाद हमें सिंपली इस फॉर लूप को लास्ट में कर देना है क्लोज। ये हो गया हमारा सिंपल सा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। अगर ये कहीं भी कंडीशन मैच करती है तो उस केस में क्या होगा, फ्लैग में हो जाएगा वन। और अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, जो इनिशियल हमने फ्लैग के अंदर, सॉरी एफ के अंदर जो हमारा वेरिएबल है, एफ के अंदर जो भी हमने स्टोर किया एज इज यहाँ पे रहेगा जीरो। तो हम लास्ट में इसके जस्ट नीचे, इस कोड के जस्ट नीचे एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ एफ इक्वल इक्वल वन। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे एक प्रिंट अप स्टेटमेंट देंगे और उसके अंदर लिख देंगे कि एलिमेंट इज अवेलेबल या एलिमेंट फाउंड। ओके, क्योंकि यहाँ पे वन तभी आएगा जब वो नंबर अवेलेबल होगा इस एरे के अंदर। और अगर इन केस ये जो नंबर हम सर्च करना चाह रहे हैं इस एरे में और वो नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या होगा, फ्लैग की वैल्यू जीरो होगी। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लिखेंगे एल्स और इस एल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स नॉट अवेलेबल। यहाँ पे क्या होगा, फाउंड हो जाएगा, यहाँ पे नॉट फाउंड, ये दो कंडीशंस हो जाएंगी। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसको अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे सर्चिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया लीनियर सर्च, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ पे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। रीज़न क्या है कि ये हर एक एलिमेंट से वन बाय वन कंपेयर करते हुए लास्ट तक जाता है, और अगर लास्ट में भी ये एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता तो उस केस में क्या होता है कि वो लास्ट में जाके आपको एक मैसेज नोटिफाई करेगा कि यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड। ओके, तो टाइम टेकन है लेकिन बहुत सिंपल सा है, इसमें सिंपली आपको कुछ सिंपल सा कोड लिखना है और इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है बाइनरी सर्च, जिसका मैं प्रोग्राम नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं और आपको बता देते हैं किस तरीके से बाइनरी सर्च काम करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक एरे है इस जगह पे और यहाँ पे कुछ नंबर्स स्टोर हैं 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा मिडल पार्ट हो जाएगा, ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा, और ये मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये अपर पार्ट है, ये हमारा अपर पार्ट है इतना, ये हमारा इतना लोअर पार्ट है और ये मिडल पार्ट है। ओके, तो बाइनरी सर्च में यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। सबसे पहले तो बाइनरी सर्च में क्या है कि ये जो भी यहाँ पे हमने एरे के अंदर जो भी इनपुट दिया है वो पहले सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये मैं इसी वजह से नहीं आज बता रहा हूँ आज की क्लास में, क्योंकि हमें पहले सॉर्टिंग पढ़ाना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी सर्च कैसे होता है। तो बाइनरी सर्च की सबसे पहले कंडीशन होती कि यहाँ पे जो भी एलिमेंट स्टोर्ड हैं एरे के अंदर उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रखना है। मीन्स इसका कुछ इनपुट इस तरीके से करना है, ये यूजर ने इनपुट कर दिया, अब हमें प्रोसेस करके इसको सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, और फिर यहाँ पे 9 आएगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले सॉर्ट कर लेना है। ओके, सर्चिंग अप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है बाइनरी सर्च के केसेस में। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये हमारा मिडिल सेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये मिडिल सेक्शन हो जाएगा, 1/2 करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये लोअर बाउंड हो जाएगा और ये अपर बाउंड हो जाएगा। अब लीनियर सर्च देखिए, जो हमारा लीनियर सर्च है उस केस में क्या होता है, हर एक से हम कंपेयर करते हैं, लेकिन जब बाइनरी सर्च करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट हो जाएगा, इसमें आधा टाइम लगेगा। जो लीनियर सर्च है उससे भी
उसका आधे का आधा टाइम लगेगा, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा सर्चिंग में। देखिए किस तरीके से, तो ये हमारा हो गया मिडल, मान लेते ये हमारा मिडल पोर्शन है इस एरे का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एलिमेंट होगा, मान लीजिए वो एलिमेंट है एम के अंदर, एम के अंदर जो भी यूजर सर्च करना चाहता है उसको एम के अंदर इनपुट करता है। तो अब हमें उस एम को मिडल से कंपेयर करना है, क्या जो यूजर सर्च करना चाह रहा है वो हमारा मिडल में अवेलेबल है कि नहीं है। अगर मिडल में नहीं अवेलेबल है तो हम ये देखते हैं कि मिडल से लेस है क्या। अगर लेस होगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, लूप चलाएंगे यहां से यहां तक। ओके, इसको हम ज्यादा डिटेल में आज नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि इसको हम दोबारा भी बताएंगे, तब भी मैं एक बार बता दे रहा हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अभी थोड़ा सा ओवरव्यू मिलेगा, तो नेक्स्ट जब भी क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या होता है, सबसे पहले स्टेप में बाइनरी सर्च में ये एरे हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो भी यूजर सर्च करना चाह रहा है उसको हमें मिडल से कंपेयर करना है। अगर वो मिडल में जो भी स्टोर्ड एलिमेंट है उससे मैच करता है, इट मींस फाउंड हो जाएगा, मैसेज दे देंगे सिंपली। और इन केस ये मैच नहीं करता है तो उस केस में क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो हमारा मिडल में एलिमेंट है उससे लेस है या ग्रेटर है। अगर लेस है तो हम क्या करेंगे, मिडल से लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, मींस इस साइड से हम कंपेयर करेंगे। ओके, जो हमारा लूप चलेगा वो जीरो से लेकर चलेगा मिडल की जो भी पोजीशन होगी उससे एक कम तक, यहां तक, मींस 0, 1, 2 एंड 3। तो अब ये क्या होगा कि अगर मिडल से कम वैल्यू है तो हम लेफ्ट में जाएंगे और यहाँ 0 से लेके यहाँ तक सर्च करेंगे कि इन में से कोई एलिमेंट वो एलिमेंट तो नहीं है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। और इन केस अगर मिडल से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मींस अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 होगा, तो उस केस में अगर हम चेक करेंगे तो ये 6 से 8 अबव है, उस केस में क्या करना है, मिडल जो भी पोजीशन है उससे एक पोजीशन आगे से लेके लास्ट तक हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जब भी हम यहाँ पे सर्चिंग अप्लाई कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा टाइम काफी कम लेगा अगर हम कंपेयर करें लीनियर सर्च से, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली मिडल से सर्च कर रहा है। और अगर ये इससे कंपेयर कर रहा है, ये मैच नहीं करता है, तो या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। ग्रेटर होगा तो सिर्फ हमें इतने एलिमेंट्स में से चेक करना है कि वो एलिमेंट है या नहीं है, या फिर अगर लेस होता है तो हमें सिर्फ इतने एलिमेंट्स में से कंपेयर करके चेक करना है कि वो एलिमेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारी बाइनरी सर्चिंग है वो लीनियर सर्च से काफी फास्ट होती है, मींस हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी सर्च, जिसको हम किसी नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हमें आपको पढ़ाना पड़ेगा सॉर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होता है, सॉर्टिंग करनी पड़ती है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में एरे को सॉर्ट करना है, क्योंकि यूजर किसी भी ऑर्डर में इनपुट दे सकता है। और बाइनरी सर्च अप्लाई करने से पहले हमारा जो एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। ओके, तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम इसके लिए। तो यहाँ पे लीनियर सर्च के लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, सिंपली हमेशा की तरीके, सबसे पहले एक हेडर फाइल मेन मेथड ओपन करेंगे और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं उनको हम डिक्लेयर करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक एरे लिया है, एरे नाम से, और इसका साइज रखा है 50, मैक्सिमम साइज हमने 50 कर दिया। यहाँ पे एन रखा है जिसमें हम एरे से जो यूजर होगा उसमें उससे हम इनपुट लेंगे कि वो कितने एलिमेंट्स का एरे क्रिएट करना चाहता है, एलिमेंट कितने एलिमेंट एरे के अंदर इंसर्ट करना चाहता है, तो वो हम यहाँ पे एन के अंदर स्टोर कर लेंगे। उसके बाद लूप के लिए हमने लिया है यहाँ पे आई, और एम लिया है जिसमें हम यूजर से इनपुट लेंगे कि वो किस पार्टिकुलर वैल्यू को या नंबर को या एलिमेंट को सर्च करना चाहता है। और यहाँ पे फ्लैग में हम इनिशियली 0 रखेंगे, जिसको हम आगे कंपेयर करेंगे, अगर वो एलिमेंट फाउंड होता है या मिलता है तो उस केस में हम फ्लैग की वैल्यू करेंगे 1, और अदरवाइज यहाँ पे इनिशियली इसकी वैल्यू हमने रखी है 0, जैसा कि पिछले एग्जांपल में मैंने एफ लिया था। ओके, और यहाँ पे मैंने लिया है फ्लैग। तो सबसे पहला हमारा एक मैसेज होगा जिसमें हम यूजर से साइज इनपुट कराएंगे कि वो कितने साइज का एरे क्रिएट करना चाहता है, कितने एलिमेंट्स एरे के अंदर इनपुट करना चाहता है। तो यहाँ पे एक मैसेज दिया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। तो एन में जो भी यूजर डालता है, अगर उसको 10 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं इस एरे के अंदर तो उससे हम 10 इनपुट ले लेंगे। अगर उसको 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं इस एरे में तो हम यहाँ पे 5 इनपुट ले लेंगे, जो कि एन में स्टोर हो जाएगा। और हमें लूप में इसी को यूज करना है कंडीशन के लिए। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, एक और मैसेज देंगे, इंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। तो उसके बाद हमें जो भी साइज दिया हुआ है उसके उस साइज के हिसाब से एलिमेंट्स को यूजर से इनपुट लेना है, जिसको हम यहाँ पे लूप के हेल्प से इस पार्टिकुलर एरे के अंदर स्टोर करेंगे।
ये कॉमन स्टेप है, पिछली कई क्लास में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में। अब हमें क्या करना है, यूजर से एक मैसेज देना है ताकि उसको समझ में आए कि अब हमें वो एलिमेंट इनपुट करना है जिस एलिमेंट को हम प्रोग्राम में सर्च करना चाहते हैं, सॉरी एरे में सर्च करना चाहते हैं। ओके, तो उसको हम स्टोर करेंगे एम के अंदर, और इसके लिए मैंने स्कैनफ फंक्शन यूज किया है। अब हमें अप्लाई करना है लीनियर सर्च, जो कि यहां से यहां तक का जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, मैं इसको एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, यहां से यहां तक का जो भी कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है ये लीनियर सर्च के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फॉर लूप यूज करेंगे और इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे, और इसमें कंडीशन रखेंगे जो भी एरे का साइज है, और साइज कहाँ पे स्टोर्ड है, एन में, जो कि हमने यहाँ पे स्टोर किया यूजर से। ओके, तो अब हमारा जो इनपुट है जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को यूजर सर्च करना चाहता है वो अवेलेबल है एम के अंदर। तो यहाँ पे एक एक करके हम वैल्यू एरे की जो भी वैल्यूज होंगी यहाँ से एक एक करके एक्सेस करेंगे, उसको एम से कंपेयर करेंगे। इन केस अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्लैग एक वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे जीरो रखी है, उसमें वन स्टोर कर देंगे। और यहाँ पे अगर जैसे ये कंडीशन एक बार ट्रू हो जाती है, मींस आगे हमें फर्दर चेक करने की जरूरत नहीं, मींस इस लूप को आगे हमें चलाने की जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। ओके, अगर ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होती है कभी भी मैच करेगी तो ऑटोमेटिक फ्लैग के अंदर वन आएगा और ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक का मतलब होता है कि ये लूप दोबारा नहीं चलेगा, आगे फर्दर नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हम सर्च करना चाह रहे थे वो मिल चुका है। ओके, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स रहती है तो उस केस में ये लूप हमारा जीरो से लेके और लास्ट तक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी से कंपेयर करेगा, और उसके बाद जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी उसके बाद ये टर्मिनेट होगा। ओके, तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरा इफ स्टेटमेंट लगाते हैं और यहाँ पे देखते हैं फ्लैग की वैल्यू अगर वन होगी तो क्या होगा, नंबर फाउंड और यहाँ पे उसकी जो भी स्टेज होगी या पोजीशन होगी उसको भी हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे आई प्लस वन इस वजह से मैंने लिया है क्योंकि पोजीशन की अगर बात करें तो जो हमारे पास एरे होता है कुछ इस तरीके से होता है, मान लीजिए यहाँ पे फाइव है, थ्री टू और वन, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होती है जीरो वन टू थ्री, तो ये इंडेक्स वैल्यू होगी क्योंकि आई हमारा इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो यहाँ पे अगर सिंपली आई अगर ये मान लीजिए हमारा नंबर है जिस जो हमें सर्चिंग में मिला है, ये यूजर इसको सर्च करना चाह रहा था, ये नंबर अवेलेबल है, तो इसकी पोजीशन क्या है, अगर हम काउंट करें वन टू थ्री थर्ड पोजीशन है, लेकिन अगर हम यहाँ पे सिर्फ आई की वैल्यू प्रिंट करते तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे टू, तो इसके हिसाब से वो सेकेंड पोजिशन दिखाता है जबकि यूजर के हिसाब से ये थर्ड पोजीशन पे है। तो इसी वजह से यहाँ पे आई की वैल्यू में एक ऐड किया है मैंने, तो जब भी किसी भी लोकेशन पे ये मैच करेगा तो वहां पे उसकी पोजीशन भी साथ में प्रिंट हो जाएगी। और अगर फ्लैग की वैल्यू हमारी वन नहीं होती है किसी रीजन से, मींस ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होती, उस केस में क्या होगा, हमेशा फ्लैग के अंदर जीरो रहेगा। तो लास्ट में क्या है, एल्स के कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट इज नॉट फाउंड, और ये मैसेज हमें लास्ट में मिल जाएगा। ओके, तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, आप खुद से इसको एक एक लाइन समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है और इससे रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इजीली आप अगर इसको समझ लेते हैं तो आप कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो अब आइए हम इसी को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसमें ये प्रोग्राम किस तरीके से रन करता है, किस तरीके से इनपुट देंगे और किस तरीके से हमें आउटपुट मिलता है। ओके, तो आइए करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने सिंपली उस प्रोग्राम को कॉपी पेस्ट कर दिया है, सेम वही प्रोग्राम है जिसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया है कॉपी करके। ओके, तो ये सारी सेम लाइंस हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आई होप इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सेम प्रोग्राम है, सेम लाइंस हैं सारी की सारी। अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को सबसे पहले करना है कंपाइल। ओके, तो यहाँ पे इसको हम कंपाइल करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि जीरो एरर्स आ रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जीरो एरर्स है, मीन्स इस प्रोग्राम में कहीं भी किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं है। तो अब हमें लास्ट में क्या करना है, इसको रन करना है, और जब रन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला इनपुट हमने मैसेज क्या दिया था, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे, कि इस एरे में आप कितने नंबर स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे फोर नंबर्स इनपुट करने हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं फोर और इंटर की प्रेस करते हैं। अब ये फोर एलिमेंट्स को इंटर करने के लिए बोल रहा है, इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं जैसे थ्री टू फाइव सिक्स, ये नंबर्स हमने इनपुट कर दिए, ये एरे के अंदर स्टोर हो चुके हैं।
अब ये पूछ रहा है इंटर अ नंबर टू सर्च, वो नंबर हमें इनपुट करना है या वो एलिमेंट हमें सर्च करना है जिसको हम इनपुट करना है, जिसको हम इस एरे के अंदर सर्च करना चाहते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो नंबर डालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 3 या 5, उस केस में क्या रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 3, 2, 5 एंड 6 ये एलिमेंट हमारे एरे के अंदर स्टोर्ड है, हमने यहाँ पे 5 दिया, तो इस केस में क्या मिलेगा रिजल्ट, नंबर इज फाउंड या एलिमेंट इज फाउंड। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो उस केस में आपको क्या एक रिजल्ट मिलेगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एलिमेंट इज फाउंड एट पोजिशन 3। तो यहाँ पे अगर आप पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा 3 है वो फर्स्ट पोजिशन पे है, 2 सेकेंड पोजिशन पे, और 5 कहाँ पे है, 3rd पोजिशन पे, और यहाँ पे लिख के आ रहा है नंबर एलिमेंट इज फाउंड एट पोजिशन 3। ओके, तो अगर हम इसको दोबारा से रन करके देखते हैं, और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे साइज दे रहा हूँ सेम 4, नंबर भी कुछ डाल देते हैं 3, ये मैंने कुछ नंबर्स डाल दिए। ओके, अब यहाँ पे ये पूछेगा किस नंबर को आप सर्च करना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 7, जो कि अवेलेबल नहीं है, उस केस में क्या होगा, लिख के आएगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमने एरे इनपुट किया, ये एरे के अंदर स्टोर्ड नंबर्स हैं, और ये हम सर्च करना चाह रहे हैं कि ये 7 इस एरे में अवेलेबल है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या हमें मैसेज मिल रहा है, एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ओके, तो आई होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में हमारे वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स एंड सोशल मीडिया नेटवर्क पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ताकि ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।